सही लाइट क्यों नहीं भेज रहा है? ये सुबह से लप्पे मार रही है। समझने की कोशिश करो सर, लाइट ठीक नहीं है। क्या बात, बोतल चढ़ रही है? बुखार नहीं आया, उसे ट्रांसफार्मर में दिक्कत है। ज्यादा चकर चकर मत करा, ये बता कब तक ठीक होगी? अभी हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों, आईसीयू में रखी है? अरे कर रहा है, कह क्यों नहीं सकते? देखो तुम चाहे अभी कुछ भी कर लो, अभी लाइट नहीं आ सकती क्योंकि बारिश हो रही है। तू इधर पीछे झाले पे को भेज, इधर खूब धूप है, बड़ा भारी बारिश में जुकाम हो जाएगा इसे। तुम एक काम करो, फोन काट। क्यों? अरे तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? और हमारे अंदर कहाँ दिमाग है, हम तो सब आज भी छैया छैया वाले फोन से कर रहे हैं। सर जी कह दो लाइट ठीक हो गई। अच्छा अब तो खुश हो जाओ, अब तो लाइट ठीक हो गई। पहले हुई एक आध किलोमीटर चला के देख लिए, कहीं आधी रास्ता में बिखरी पड़ी हो। खम्बा और इसे मोमबत्ती जो कोई जना बना के। इस समय से नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था धरना का साला केस चुटा रहे क्या रे? कहा हुआ, हम बंद कर लिए, कुंची कर लेंगे, हटाए नहीं सब साला। सपने समय पढ़ा उड़ा कर रहे एकदम। अरे साला रे, मेरा परसों ज्योग्राफी का एग्जाम है साला, ये माथा में तक टेंसर घूम रहा साला, तो याद नहीं हो रहा है, ऊपर से नींद आ रहा रे, तेरा नींद आ रहा रे, तो मार कुची कर रहे तेरा साला। पढ़ना चाहते इधर उधर, इधर उधर लफो नहीं घूम रहे थे, और अभी पढ़ के पूरा कानून नहीं लिख देंगे एकदम। और तूने मेरी भेजी की रील देखी? कौन सी वाली? बता कौन सी वाली बता, इतनी रीलें भेज देता है टाइम पास। भाई तुझे पता है लोग कहते हैं मैं तेरी तरह दिखती हूँ। क्या मैं इतना बच्चूरा दिखता हूँ? Excuse me, yes? दोनों में से ज्यादा कंजूस कौन है? ये है। ये है। अबे तू है? तू है भाई। मैं नहीं हूँ, तू है। तू है, निकाल फिर मेरे 20 रुपए। भाई मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। दोस्तों मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, कृपया मुझे सलाह दो कि मैं क्या करूँ। सुनो मेरी बात, गर्ल्स हॉस्टल के सामने मैं गुपचुप का दुकान डालना चाहती हूँ, हॉस्पिटल के सामने मैं मेडिकल डालना चाहती हूँ, जिम के सामने जूस और अंडे का दुकान डालना चाहती हूँ, और दारू दुकान के सामने मन में लड्डू फूटा। खैर मजाक मस्ती बाद में, दारू दुकान के सामने मैं नमकीन का दुकान डालना चाहती हूँ, तो इन चारों में से मेरे लिए सही कौन सा दुकान रहेगा? कोई एक ही करूंगी मैं, प्लीज मुझे बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बताओ। अगर सास मुझे 4 सुनाती है तो मैं सास के बेटे को 8 सुना देती हूँ, वहीं की वहीं हिसाब बराबर। तुम भी ऐसे किया करो बहनों। सुनो आज चलो दशहरा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। अरे आप भी चलकर देख लो कि दूसरे की बीबी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। दशहरे के दिन सभी आदमी अपने अंदर के रावण को मारने के साथ साथ, अरे सभी औरतें अपने अंदर की सुपना का और कैकेयी को भी मारे, क्योंकि शुरुआत तो इन्हीं की वजह से हुई थी। गाइस मुझे तो हैप्पी दशहरा की इतनी बधाइयाँ मिल रही है कि जैसे रावण को मैंने ही मारा हो। जिस घर में शादीशुदा ननद का राज हो, उस घर में कितनी भी खूबसूरत और कितनी भी समझदार बहू हो, वो अपना घर नहीं बसा सकती। Oh my God! Wow! सर्दी आ रही है तो 15 नवंबर से पहले अपनी नाक आधार कार्ड से लिंक करा लें, नहीं तो नाक बंद हो सकती है।